जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का यह उपाय उन दंपतियों के लिए है जो संतान सुख से वंचित हैं। दोस्तों, अगर आपके विवाह को भी काफ़ी समय हो गया है और कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई है, तो यह उपाय एक बार भोलेनाथ पर विश्वास करके पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जरूर करें। यह शिव महापुराण में वर्णित उपाय है, बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। इस उपाय को मैंने स्वयं देखा है, कई लोगों ने जिन्होंने यह उपाय किया है उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। तो एक बार अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में संतान की किलकारियां सुनना, तो यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही साधारण सा उपाय है, चलिए जानते हैं करना कैसे है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिव मंदिर में ले जाएं। 21 बार तुम रुका जी का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर से 21 बार वारें और फिर उसे लाल धागे में लपेटकर वहीं शिव मंदिर में खड़े होकर अपनी कमर पर बांध लें। यह उपाय स्त्रियों को करना है। और रजस्वला धर्म के 7वें दिन के बाद अर्थात 8वें दिन यह उपाय करना है। दोस्तों, सिर्फ एक बार करने का उपाय है, इसके बाद इस जड़ को अपने कमर में बंधे रहने दें। देख लीजिएगा, 3 महीने के अंदर अंदर आप गर्भवती अवश्य हो जाएंगी। एक उपाय और है, यह भी शिव महापुराण में ही वर्णित उपाय है। इसके अंतर्गत आपको पीपल के एक पत्ता लेना है। यह उपाय भी रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद अर्थात 8वें दिन से करना है। पीपल का एक पत्ता लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर वह पत्ता उठाकर शिवलिंग की पूजा करके, जिस तरह से आप करते हैं वो सब करके, यह पत्ता उठाकर ले जाएं और दूध में उबालकर इसे उबालकर रख लें। मतलब पत्ता दूध में डालकर उबाल लें और फिर पत्ता निकाल कर जहाँ भी डालना है डाल दें साफ जगह पर, और फिर उस दूध को पति पत्नी आधा आधा पी लें। यह उपाय भी रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद 8वें दिन से करना है। इस उपाय को लगातार 3 महीने करना है। दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ अगर आपने यह उपाय कर लिया तो 3 महीने में आपको गर्भ अवश्य ही ठहर जाएगा और आप भी संतान प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, यह दोनों उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं, मैंने खुद इसका प्रमाण देखा है। तो एक बार आप भी अगर चाहते हैं माता पिता बनना, तो यह उपाय अवश्य करें। बहुत ही सरल सा उपाय है, हर कोई इसे कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सभी के साथ शेयर, हर ज़रूरतमंद के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।